ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे गलतियों के बारे में जानेंगे जो हम अज्ञानतावश तिरुमला जाने के बाद भगवान बालाजी के दर्शन करते समय करते हैं और तिरुमला में करते हैं, मंदिर परिसर में करते हैं। ये सारी गलतियां हम जानबूझ के नहीं करते, बस हमें सही इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि इन चीजों को तिरुमला जाने के बाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए और इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए जानते हैं एक एक करके क्या है वो गलतियाँ जिसे हमें नहीं करना चाहिए जब भी हम तिरुमला पहुँचते हैं। सबसे पहली गलती जो लगभग हम सब करते हैं वो है भगवान बालाजी के सबसे पहले दर्शन करना। वैष्णव शास्त्र वेंकटाचला महत्वम और बहुत सारे पौराणिक ग्रंथों में ये बताया जाता है कि भगवान बालाजी के दर्शन करने से पहले हमें वराह स्वामी के दर्शन करना चाहिए। दरअसल तिरुमला के पहाड़ों को आदि वराह क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि भगवान बालाजी ने कलयुग में वराह स्वामी से तिरुमला में रहने के लिए अनुमति मांगी और भगवान वराह स्वामी ने भगवान बालाजी को उसकी अनुमति दी। इससे खुश होकर भगवान बालाजी ने भगवान वराह स्वामी को ये हामी दी कि सबसे पहला नैवेद्य, सबसे पहली पूजा और सबसे पहला दर्शन भगवान वराह स्वामी को जाएगा और जो भी भक्त ऐसा करते हैं उन्हें तिरुमला यात्रा का पूरा फल मिलता है। साथ ही और इससे भगवान बालाजी भी प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें और स्वामी पुष्करणी नदी में स्नान करके भगवान वराह स्वामी के दर्शन करें और उसके बाद भगवान बालाजी के दर्शन करें। अगर आप किसी कारणवश भगवान वराह स्वामी के मंदिर तक नहीं जा पा रहे हैं और डायरेक्टली आप मंदिर पहुंच जाते हैं, तब भी मंदिर परिसर में एक स्तंभ के ऊपर भगवान वराह स्वामी का प्रतिरूप दिखाई देता है। अगर आप संस्थान के किसी भी व्यक्ति से पूछे तो वे आपको मंदिर के अंदर वराह स्वामी के इस प्रतिरूप के बारे में अवश्य बताते हैं। आप उनके दर्शन वहां पर भी कर उसके बाद भगवान बालाजी के दर्शन करें। भगवान वराह स्वामी का मंदिर भगवान बालाजी के मंदिर के बहुत ही नजदीक है। आप आसानी से दर्शन करके उसके बाद भगवान बालाजी के दर्शन के लिए जा सकते हैं। अब चलते हैं दूसरी गलती की तरफ। ये गलती है स्वामी पुष्करणी नदी में स्नान न करना। ये बहुत ही हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन बहुत लोगों को ये पता नहीं है कि स्वामी पुष्करणी नदी में स्नान करना अपने आप में बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि स्वामी पुष्करणी नदी को भी स्वयंभू नदी माना जाता है और इस नदी में विरजा नदी जो कि भगवान बालाजी के मंदिर के नीचे से होते हुए भगवान बालाजी के चरणों को स्पर्श करते हुए स्वामी पुष्करणी नदी में मिल जाती है। माना जाता है ये विरजा नदी स्वयं वैकुंठ से बहती है और स्वामी पुष्करणी नदी में मिल जाती है। अगर आप स्वामी पुष्करणी नदी में स्नान करके उसके बाद वराह स्वामी के दर्शन करते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति तो होती ही है, साथ ही माना जाता है कि आपके सारे पाप धुल जाते हैं और आपका जीवन सफल हो जाता है। तो इस नदी में अवश्य स्नान करें। अगर आपको स्नान करने का मौका नहीं मिल रहा है तो इस पवित्र नदी के पानी को अपने सर पे जरूर छिड़के और उसके बाद वराह स्वामी के दर्शन करें। अब चलते हैं अगली गलती की तरफ। बहुत सारे भक्तों को भगवान बालाजी के दर्शन पूर्ण रूप से नहीं हो पाते और जल्दी जल्दी में वो जो भी मांगना चाहते हैं वो ठीक से मांग नहीं पाते और रश के वजह से एक दो मिनट भी वहाँ ठहर नहीं पाते और जल्दी से लाइन से निकल जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में आप निराश ना हो, जैसे ही बाहर निकलते हैं आप गर्भगृह से आपको विमान प्रदक्षिणा के रूट में आनंद निलियम यानी ऊपर गोल्डन कलर का गोपुरम होता है, उसी गोपुरम में पहले मंजिले में आपको विमान वेंकटेश्वर स्वामी जो भगवान बालाजी के ही प्रतिरूप है उनका दर्शन आपको मिलता है। आप वहाँ दो तीन मिनट ठहर के भगवान से जो भी आप मांगना चाहते हैं आप मांग सकते हैं। माना जाता है कि विमान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन भी भगवान बालाजी के दर्शन के समान है और जो लोग दो बार भगवान बालाजी के दर्शन करना चाहते हैं उनके लिए ये एक सुनहरा मौका है। आप भगवान बालाजी के साथ साथ विमान वेंकटेश्वर स्वामी के भी दर्शन कर सकते हैं। अब चलते हैं अगली गलती की तरफ। जब भी हम तिरुमला पहुँचते हैं मंदिर के माड़वीदी यानी मंदिर के चारों तरफ बहुत सारे भक्त चप्पल के साथ घूमते हैं, ये बहुत बड़ा पाप माना जाता है। दरअसल पूरी तिरुमला पहाड़ी एक बहुत ही पवित्र पर्वत है, यहाँ पर हमें चप्पल पहनकर घूमना ही नहीं चाहिए, लेकिन आज ऐसी स्थिति नहीं है तो कम से कम मंदिर परिसर में आप चप्पल पहनकर ना घूमें। आपको चप्पल रखने के लिए
काउंटर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ पर अपने चप्पल को, अपने शूज को वहाँ रखें, उसके बाद बिना चप्पल के ही मंदिर परिसर में घूमें। अब चलते हैं अगली गलती की तरफ। माना जाता है कि जो भी फूल तिरुमला में है वो भगवान बालाजी के लिए ही है, उनके अलंकार के लिए ही है। इसीलिए लेडीज इस बात का ध्यान रखे कि कोई भी फूल तिरुमला में अपने बालों पर ना लगाएं। इससे अच्छा शगुन नहीं माना जाता है, बहुत लोग को ये पता नहीं है। कई दुकानदार वहाँ फूल भी बेचते हैं, आप फूल ना ले। इसीलिए भगवान बालाजी के अलंकार के समय और उनकी पूजा के समय इस्तेमाल किए गए फूलों को भक्तों को दिया नहीं जाता। उन फूलों को एक पवित्र जगह में रख दिया जाता है जहाँ पर किसी भी व्यक्ति विशेष का आना जाना संभव नहीं हो। बहुत सारे भक्तों को ये नहीं पता कि न्यूली वेड कपल्स यानी नए नए शादीशुदा जोड़े को तिरुमला नहीं जाना चाहिए। शादी के कम से कम 6 महीने के बाद ही आपको तिरुमला पहुंचना चाहिए और भगवान के दर्शन करना चाहिए, क्योंकि ये सारे पहाड़ बहुत ही पवित्र पहाड़ हैं। खुद भगवान बालाजी भी माँ पद्मावती से विवाह के बाद श्री अगस्त्य मुनि के पास उनके आश्रम में 6 महीने रुकने के बाद ही तिरुमला पहुँचे थे। तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें। जो लोग तिरुमला चल के जाने वाले हैं उनके लिए जो 2 मार्ग हैं, श्रीवारी मेट्टू मार्गम और अलीपिरी मेट्टू मार्गम, इन दोनों मार्गों में कभी भी चप्पल पहनकर यात्रा नहीं करनी चाहिए। आपको नीचे ही लगेज काउंटर्स मिलेंगे, वहाँ पर आप अपने चप्पल को लगेज में रखकर काउंटर्स में सबमिट कर सकते हैं। आपको ऊपर जाने के बाद फिर से रसीद दिखाने के बाद उन लगेज को कलेक्ट करने का मौका मिलता है। ये एक तरफ से बहुत ही अच्छी सर्विस है संस्थान की तरफ से। आपको कोई भी लगेज ढोकर दोनों चल के जाने वाले मार्गों में कोई भी लगेज उठाकर चलने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। दोनों मार्गों में शेड्स हैं, इसीलिए आपको पैरों में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपके पैर नहीं जलेंगे। तो चप्पल पहन कर कभी भी यात्रा ना करें। अब चलते हैं अगली गलती की ओर। जब भी हम हुंडी में भगवान को दान देते हैं वो पैसा पवित्र पैसा होना चाहिए, यानी हमारी कमाई हुई पवित्र धन, यानी ऐसा धन जो किसी को कष्ट पहुंचाकर ना लिया गया हो या किसी का हक छीन कर ना लिया गया हो। अगर आप ऐसे धन को हुंडी में डालते हैं तो भगवान बालाजी बहुत ज्यादा खुश होते हैं और माना जाता है कि ऐसे धन को ही भगवान कुबेर को देते हैं अपने ऋण को चुकाने के लिए। और इसी धन से आपने जितना भी धन दिया है उससे कई दुगना धन आपको भगवान बालाजी वापस भी कर देते हैं। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो बहुत जरूरी होता है अपनी यात्रा को सफल बनाने के लिए। अगर हमें पूरी इन्फॉर्मेशन होती है तो हम भगवान का मान तो रखते ही हैं, अपने धर्म शास्त्रों का भी मान रखते हैं, साथ ही अनजाने में हमसे जो गलतियां हो जाती हैं उसे भी सुधार पाते हैं। आशा करती हूँ कि इस बार जब भी आप तिरुमला भगवान बालाजी के दर्शन करने के लिए जाएं तो इन सारी चीजों का विशेष ध्यान रखें और अपने दर्शन को सफल करें। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।